हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आप लोगों को नई साल की मुबारक, 2023 जैसे चल रहा है और 2023 में कौन कौन सी जॉब सिंगापुर में बेस्ट जॉब्स आपके लिए होने वाली हैं। अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2023 में कौन कौन सी इंडस्ट्री बूम पर आने वाली है तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड, यूरोप की कुछ और कंट्रीज में जाना चाहते हो, दुबई, ओमान, कतर, मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हो, एजेंसीज की डिटेल चाहते हो तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देख लो। मेरा बहुत सारी एजेंसीज की डिटेल दे रखी है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। देखो ऐसा होता है, 2023 चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप इस इंडस्ट्री में पढ़ाई करके भी, और अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो इस चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैंने एक नया चैनल और बनाया, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आरआर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर आ रहा है स्क्रीनशॉट। इस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लक्ष्य है आपको बिजनेस आइडिया देना, इन्वेस्टमेंट की आने वाले समय में आपके पास जॉब हो या ना हो लेकिन आपके पास इनकम जरूर हो, तो 50,000 रुपए की आपकी इनकम श्योर होने वाली अगर आप उस चैनल को एक साल तक जुड़ते हैं तो। उस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, आरआर इन्वेस्टिंग एकेडमी सर्च करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस आइडियाज है, क्योंकि देखो ऐसा होता है जो टाइम चला जाता है लेकिन अगर हमारे को नॉलेज सही समय पर मिल जाता है तो हम उस चीज को बेनिफिशियल अब फ्यूचर में कर सकते हैं। तो उस चैनल को जाके आप जरूर एक बार देखें। अब बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है जो 2023 में सिंगापुर में बहुत सारी जॉब्स आने वाली है। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई कोरोना तो खत्म हो ही चुका है, चाहे कोई भी वायरस आ जाए फिर भी हमें पता है कोरोना से कैसे फाइट करना है। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री उभर कर आ रही है वो है टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक, क्लाउड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफॉर्मेशन, एलए कोच एंड स्क्रम मास्टर्स। तो देखो ऐसा है, अगर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखो, आप आजकल मैं देखो अगर आप सुपरमार्केट में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, बस में चले जाओ, एमआरटी स्टेशन में चले जाओ, पार्किंग एरिया, एचडीबी हाउस, हर जगह पर सिक्योरिटीज, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की इंडस्ट्री बहुत। तो आप इस इंडस्ट्री में अगर आप आईटी इंडस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सिंगापुर के लिए तो बहुत। अब दूसरा सेक्टर जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर आप लोगों को पता है कि बहुत क्यों बढ़ता जा रहा है, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड टू आईटी के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। अभी देखो ऐसा है जब फाइनेंस, अब लोग ग्लोबली जुड़ते जा रहे हैं, बिजनेस इधर करना है उसका है, पैसा ट्रांसफर इधर करना है उधर करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे। तो देखो ऐसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अब हर किसी इंडस्ट्री को आजकल सीए, फाइनेंस कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, कंप्लायंस, डाटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो भाई अगर आप इस इंडस्ट्री में हो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में होने वाली है। अब बात करते हैं कॉमर्स एंड फाइनेंस। कॉमर्स एंड फिनांस ये एक ऐसा सब्जेक्ट ना, फिनांस में अगर आपके पास आजकल कंसल्टेंट की हर जगह जरूरत पड़ती है, और जो रोल है एनालिटिक, फिनांस प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल ऑटोमेशन, इंप्रूवमेंट, फिनेंशियल बिजनेस पार्टनर एट वेरियस लेवल। तो आप देखोगे कि कॉमर्स एंड फिनांस में जो आपका, अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी फिनांस से रिलेटेड भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत सारे कंसल्टेंट की जॉब पर भी, आप एक एडवाइजर के जॉब पर, एक एज अ कंसल्टेंट जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा पैकेज आपका होने वाला है। चौथी जो इंडस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स, देखो ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और चलती है, क्योंकि एक कंपनी में राइट एम्प्लॉय को एक बिल्कुल ही राइट, जिसे कहते हैं एक बहुत ही बड़ा मेजर टास्क होता है वो एचआर का होता है। तो एचआर का जो ऑक्यूपेशन है वो हमेशा ही रहेगा और ये इंडस्ट्री बहुत ही 2023 में बूम होने वाली है। अब देखो ऐसा सभी को कॉस्ट सेविंग भी करनी है, अगर कोई भी कंपनीज है तो देखो वहां पर क्या आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट का रिट्रेचमेंट होता है लेकिन इम्प्रूव यहां से प्लेसमेंट्स भी होता है। तो एचआर का एक करेक्ट काम है कि भाई अगर हमें राइट पोजिशन पर राइट बंदा मिलेगा तो ही हमारी कंपनी में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एचआर एक अच्छी इंडस्ट्री है, अगर आप एचआर में भी एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पांचवा सेल्स एंड मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, सेल्स एंड मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट्स की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, आईटी की हो सकती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो हर सेक्टर्स में, होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हर किसी में सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स सेल्स, डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, तो आपका बहुत अच्छा करियर होने वाला है। छठे नंबर पर सप्लाई चेन एंड प्रोक्यूरमेंट, अब तो सिंगापुर
पर एक छोटा सा हब है, यहाँ पर फिनेंशियल हब है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी एमएनसी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में ना हो। अगर जो यूएस में है वो सिंगापुर में भी है। तो देखो सप्लाई चेन यहाँ से कनेक्टिविटी पूरे एशिया की होती है। अगर साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी माल पहुंचना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो यहाँ पर सिंगापुर को एक फिनेंशियल हब के रूप में रहे। तो अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट बीबीए एमबीए, अगर आपने कुछ रिटेल मैनेजमेंट में रखा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिप्लोमा करो, डिग्री करो, कुछ स्पेशलिस्ट है, अगर हम रोल्स की बात करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल लॉजिस्टिक मैनेजर्स की जरूरत है, डिमांड प्लानर्स, ऑर्डर फुलफिल, क्योंकि देखो ऐसा है अगर ऑस्ट्रेलिया में भी किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है तो सिंगापुर के बेसिस पर ही सामान आता है। तो क्योंकि सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रस्टेड कंपनी, अगर सिंगापुर में कोई कंपनी है तो ग्लोबली ट्रस्टेड कंपनी है। तो बहुत सारी जो कंट्रीज है वो डिपेंड रहती है कि अगर हमारे सप्लाई चेन हो रहा है, अगर सिंगापुर के थ्रू आ रहा है तो भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक्यूरेसी होगी और टाइम मैनेजमेंट बहुत है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप किसी मटेरियल मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट में हो, किसी आईटी सेक्टर्स में हो, इस तरह से आपको। और पांच सातवां जो सेक्टर है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। देखो ये चीजें इंडस्ट्री बढ़ेंगी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हमेशा ही ग्रोम पर रहेगा, बूम पर रहेगा, कोविड वगैरह खत्म हो गए तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी सिंगापुर में काफी जॉब अवेलेबल है। तो 2023 में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करने वाली। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आने वाले समय में अभी जनवरी में कौन सी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।